नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2023 का हल प्रश्न पत्र गणित का। तो ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। प्रश्न संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। प्रश्न संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये है 4। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें जो भाज्य संख्या है वो 4 है, 6 है और 8 है, इसमें सबसे छोटी 4 है। 2 जो है ना वो सम संख्या तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कौन गुणात्मक तत्समक है? तो गुणात्मक तत्समक है 1 और ये शून्य है ना, ये योज्य तत्समक है। प्रश्न संख्या 4 है, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम। तो किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर जो योगफल आए वो शून्य आना चाहिए। तो 9/-7 में हम क्या जोड़ें कि उसका योगफल शून्य हो जाए? देखिए ये 9/-7 है, तो इसमें हमको जोड़ना है ताकि आ जाए कितना, शून्य। तो ये जो माइनस है ना इसको हम ऊपर लेते आते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, 9/-7 और ये यहां पर माइनस माइनस 9/-7। तो क्या जोड़े यहां पर कि ये शून्य हो जाए? क्लियरली 9/-7 आप इसे जोड़ के देखेंगे तो ये होगा हमारा 9/-7। प्रश्न संख्या 5 है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। तो अभी हम देखेंगे कि सभी का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, शून्य का व्युत्क्रम 0/0 ऐसा होता नहीं है। चलिए वो परिभाषित नहीं है। -1 का अगर हम व्युत्क्रम करें तो ये क्या होगा, 1/-1, अर्थात ये फिर -1 ही होता है। तो यही हमारा आंसर है। 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 होगा, तो ये तो नहीं है। प्रश्न संख्या 11 सॉरी 6, प्रश्न संख्या 6, 11/24 और एक खाली स्थान है बराबर -11/15 में रिक्त स्थान में क्या होगा? तो चलिए हम मान लेते हैं रिक्त स्थान पर x होगा, तो आइए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो ये होगा 11/24 x स्क्वायर टू -11/15। तो ये हो जाएगा 11/24 गुना 1/x स्क्वायर टू -11/15। -11/15। तो अब हम इस तरफ वाला को दाहिने वाले को बाएं ओर करते हैं तो ये हो जाएगा -11/15 स्क्वायर टू
11/24 गुने 1/x। हमने ऐसा क्यों किया ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम अगला स्टेप करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये एक्स इस साइड आ जाएगा ना, बाई ओर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू 11/24, और ये जो -11/15 है वो इस साइड आएगा, तो 15 ऊपर हो जाएगा और -11 नीचे होगा, लेकिन जो माइनस है इसको हम यहां रखते हैं ऊपर में, इससे कोई हर्ज नहीं है। 11 11 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 से 8 बार में और ये 3 से 5 बार में, तो हमारा आंसर आएगा -5/8, ये वाला 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 7 है, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के मध्य जो परिमेय संख्या है वो निकालने का क्या तरीका है कि इनको जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, तो 1/2 जोड़ 1/4, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं चले ना, तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो ये लसा हो गया हमारा 4, तो 2 दूनी 4 जोड़ ये 1, तो ये हो गया 3/4। अब इसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो 3/4 को 2 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/8, तो ये हमारा पहला नंबर सही है। निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? तो देखिए, हम 1 से 10 तक का वर्ग संख्या निकालते हैं, तो 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का वर्ग होगा 16, यानी इसमें इकाई 6 आ रहा है, 5 का होता है 25, यानी इकाई यहां पर 5 आ रहा है, 6 का वर्ग होता है 36, तो इकाई यहां पर 6 आ रहा है, 7 का करते हैं तो ये 49 आ रहा है, 9 8 का करते हैं वर्ग तो ये 64, यानी 4 इकाई में आ रहा है, 9 का करते हैं तो ये 81, और 10 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये 100, यानी इकाई में 0 होता है। तो हम देख रहे हैं कि किस किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई में 1 आता है, एक तो ये है और एक ये है ना, तो 1 का वर्ग करने से इकाई में 1 आता है, और 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई में 1 आएगा, और ये दोनों संख्याएं विषम संख्या है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, 0.25 का वर्गमूल होगा, तो आइए निकाल के देखते हैं। ये 0.25 इसका टू, इसके हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/100, और इसका निकालना है वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल बटा 100 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये हो गया 5/10, और 5/10 का अर्थ हो गया 0.5, तो ये 3 नंबर हमारा सही है। प्रश्न संख्या 10, 999 का घात 0 का संख्यात्मक मान होगा,
तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर घातांक शून्य होता है तो उसका मान होता है हमेशा एक। तो ये 2023 के क्लास 8 के बोर्ड एनुअल बोर्ड है ना वार्षिक परीक्षा का यह हल प्रश्न पत्र था और इसका यह वीडियो पार्ट वन वीडियो था और इसमें हमने एक से लेके 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं 11 से लेके 20 तक के प्रश्नों को हल करूंगा। इन प्रश्नों की सहायता से आपको आगे की परीक्षा में काफी फायदा होगा। धन्यवाद।